नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत और जय जवान। आज मैं एक वीडियो जो है वो अपने भारतीय जवानों के लिए, जो इस वर्ष हो रही भर्ती, अभी जो रैली चल रही है, अभी जो भर्ती चल रही है, उस भर्ती में जो हमारे युवा साथी, ये जो जितने भी युवा साथी जो इसमें भाग लेने के लिए जा रहे हैं, जो भारतीय सेना में शामिल होने के लिए जा रहे हैं फिजिकल के लिए, उनके लिए मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ, जिस वीडियो में मैं उनके लिए संपूर्ण जानकारी जो है वो आपको बताऊंगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेके जाने हैं, फिजिकल में जाने से पहले आपको कैसे परफेक्ट तैयार होना है, कैसे आपको वहाँ पे जाके फिजिकल देना है, इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। जितने भी भारतीय जवान और जितने भी युवा साथी जो इसमें सेना में भर्ती होने के लिए जा रहे हैं, वो मेरे इस वीडियो को इग्नोर नहीं करेंगे, वो इस वीडियो को पूरा सुनेंगे ताकि आपको सेना की भर्ती में जाने के बाद किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, आप किसी भी प्रकार की परेशानी आपको वहां पे जाके झेलनी ना पड़े, क्योंकि वहां जाने के बाद आपको बड़ी परेशानियां होती हैं। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स वहां से जो ज्वाइन करके, वो जो फिजिकल करके आए हैं, उनसे मैंने सुना है कि उनको वहां पे डॉक्यूमेंट को लेके काफ़ी दिक्कत आती है, उनको पता नहीं चलता है कि कौन से डॉक्यूमेंट उनको लेके जाने हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ, इस वीडियो में मैं वही बातें शेयर कर रहा हूँ जो आप फिजिकल के लिए जाएंगे, आपको कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ लेके जाने हैं और कैसे आपको जाना है वहाँ पे, ताकि आपको परेशानी ना हो। तो आप इस वीडियो पे बने रहेंगे, पूरा वीडियो सुनेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपने नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, ताकि आने वाले समय में जो भी मैं जानकारी आप लोगों को दूं वो आपको समय पर मिल जाए। सबसे पहले मैं बताता हूं कि आर्मी जीडी के लिए जो स्टूडेंट जा रहे हैं, आर्मी जीडी के लिए जो जवान जा रहे हैं भर्ती के लिए, उनको कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो इस बात को गहराई से और अच्छे से समझेंगे। आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, आप डॉक्यूमेंट नोट भी कर लेना, साथ साथ में वीडियो सुनते रहना, साथ में डॉक्यूमेंट नोट कर लेना, ताकि आपको डॉक्यूमेंट सेट करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। जीडी के लिए जो स्टूडेंट जा रहे हैं उनको 8वीं की मार्कशीट लेके जानी है, 10th की मार्कशीट लेके जानी है, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, एफिडेविट, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप लेके जाना, वरना ये ज्वाइनिंग के समय काम आती है, अगर आपने अप्लाई कर रखी है तो वो भी साथ में लेके जा सकते हैं, अनमैरिड सर्टिफिकेट, अविवाहित प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र। कुछ डॉक्यूमेंट हैं, मैंने सारे डॉक्यूमेंट आपको बता दिए, रिपीट कर देता हूँ, 8वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, एफिडेविट। एफिडेविट आपको आर्मी के पोर्टल पे जहाँ आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो, ठीक एडमिट कार्ड के नीचे आपको एफिडेविट का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके तीन पेज निकलेंगे और तीनों पेज में से जो फ्रंट पेज होता है वो आप चाहें तो 50 रुपये के स्टाम्प पे आप उसको नोटरी करवा के लेके जा सकते हैं, वरना इस पर 10 रुपये की टिकट लगा के भी आप उसको नोटरी अटेस्टेड करा सकते हैं और स्टाम्प पे लेके जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद में आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र में मैं आपको बता देता हूँ, जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो भी विद्यार्थी, जो भी जवान OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनका जाति प्रमाण पत्र 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद मूल निवास, मूल निवास एक ही बार बनता है, ये लाइफ टाइम चलता है। मूल निवास के लिए भी मेरे सामने में कई सवाल ऐसे आए हैं कि मूल निवास जो है वो पुराना नहीं लेते हैं, तो पुराने मूल निवास को बता देता हूँ कि कौन सा मूल निवास एक्सेप्ट नहीं होता है। जिस बहुत पुराने मूल निवास बने हुए हैं उस मूल निवास में टोकन नंबर नहीं आते हैं, देखना आप पूरा मूल निवास का जो प्रिंटेड होता है उसके सबसे नीचे नीचे टोकन नंबर लिखे हुए होते हैं। काफ़ी मूल निवास जो 2019 से पहले के बने हैं, 2018 से पहले के बने हैं, उन मूल निवास के अंदर टोकन नंबर नहीं होता है, उसकी जांच नहीं कर पाते हैं वो। तो आपको अगर आपके पास में पुराना मूल निवास है तो आप नया मूल निवास का आवेदन लगा लेना, जिसमें टोकन नंबर प्रिंटेड हो वो मूल निवास आपको लेके जाना है। पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन आपको 6 महीने के अंदर की वैलिड होती है, लेकिन ये ज्वाइनिंग के समय काम आती है, अगर आपने पहले से अप्लाई कर रखी है तो आप अपनी पुलिस वेरिफिकेशन भी लेके जा सकते हैं साथ में। अनमैरिड सर्टिफिकेट यानी अविवाहित प्रमाण पत्र के 3 सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं, अविवाहित प्रमाण पत्र के 3 सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं, तीनों आपको सरपंच वेरीफाई करके देगा। जिस गांव में जो बच्चा, जो विद्यार्थी जिस गांव से बिलोंग करता है, उस गांव का जो मुखिया सरपंच होता है, वो सरपंच आपको 3
अविवाहित प्रमाण पत्र पर ओरिजिनल मोहर मार मार के आपको तीनों सर्टिफिकेट देगा, वो तीनों सर्टिफिकेट आपको वहाँ लेके जाने हैं। उसके बाद में चरित्र प्रमाण पत्र, तीन चरित्र प्रमाण पत्र चाहिएंगे, तीनों ओरिजिनल होने चाहिए, तीनों ओरिजिनल चरित्र प्रमाण पत्र आपको गांव के सरपंच से ही प्रमाणित करके लेके जाने हैं। आप स्कूल से भी लेके जा सकते हैं, एक्स्ट्रा अगर लेके जाना चाहते हैं तो स्कूल से भी प्रमाणित करा सकते हैं, लेकिन तीन चरित्र प्रमाण पत्र ओरिजिनल आपके गाँव का सरपंच, आपके गाँव का मुखिया जो है वो आपको प्रमाणित करके देगा। ये डॉक्यूमेंट आर्मी जीडी की भर्ती देखने के लिए जो भी विद्यार्थी या जो भी जवान जा रहा है उसको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो लेके जाने हैं। उसके बाद कलर्क की जो पोस्ट है, कलर्क की फिजिकल के लिए अगर कोई भी जवान अगर जा रहा है तो उसके उसको इसमें से एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, वो लेके जाना है 12th की मार्कशीट। बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको वही लागू होंगे जो मैंने जीडी के बताए थे। एक्स्ट्रा 12वीं क्लास की मार्कशीट लेके जानी है क्योंकि कलर्क की पोस्ट जो है वो 12वीं बेस पे है और जीडी की भर्ती है वो 8वीं और 10वीं बेस पे है। 10वीं पास की जो है वो जीडी की भर्ती है, तो जीडी वाले जो हैं वो 8वीं की भी लेके जाएंगे और 10वीं की भी लेके जाएंगे, और कलर्क वाले जो एक्स्ट्रा 12वीं की लेके जाएंगे। बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं यही सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। आपको कैंपस में जाने से पहले सारे डॉक्यूमेंट जो हैं इनके कम से कम 5-5 सेट लेके चले जाना। वहाँ पे फोटोकॉपी कराने की व्यवस्था वहाँ है या नहीं है इसका पता नहीं है। जो भी जवान या जो भी विद्यार्थी आर्मी फिजिकल में जा रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स का 5 सेट बना के ले जाएंगे ताकि इमरजेंसी में उनसे अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मांग लिया जाए तो वो कम से कम उसमें से अपना पूरा कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम एक एक दो दो फोटोकॉपी लेके चले जाते हैं लेकिन हमारी वो किसी कारणवश कहीं लग जाती हैं और जब हम कैंपस के अंदर जाते हैं तो हमारे पास में एक दो कॉपी होती हैं, उससे वहाँ पे नहीं होता है। 5 सेट कम से कम बना के लेके जाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 5 सेट अगर आपको वहाँ पे काम नहीं आते हैं तो आप घर आओगे तो आपको कहीं पे भी काम आ जाएंगे। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ में रहेंगी। उसके बाद आप अगर कैंपस के अंदर जाते हैं तो आपका डिसिप्लिन इतना अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छा डिसिप्लिन होना चाहिए कि भारतीय जवान जो आपका फिजिकल लेते हैं उसको ये लगना चाहिए, उनको ये लगना चाहिए कि आपके आपके अंदर वो जुनून है, आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप रियल में सेना में भर्ती होना चाहते हैं। आपके पास ऐसा जुनून, ऐसा इम्प्रेशन होना चाहिए। क्या होता है, हम कई बार इस चीज़ों में मार खा जाते हैं, हम कई बार इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। जब हम इंटर करते हैं तो हमारा एटीट्यूड, हमारा इंटर करने का जो तरीका होता है वो तरीका एज एक जवान जैसा कई बार नहीं दिखाई देता है, तो वो आपको वहीं पे रीड कर लेते हैं कि ये सेना में भर्ती होने के लिए एलिजिबल है या नहीं। इसलिए मैं आपको, मैं मेरी तरफ से ये गाइडलाइन जोड़ रहा हूँ, गाइडलाइन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब किस फिजिकल कैंपस के अंदर जाएंगे आपका जुनून, आपका डिसिप्लिन, आपका सिस्टम, आपका तरीका ऐसा होना चाहिए कि उसको ये लगे कि यार रियल ये एक सेना का जवान बनने के लिए काबिल है। वो वहीं पे उसको मार्क कर लेते हैं और वहीं पे उसको मार्क करके उसको इंटर कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि अपना सिस्टम, अपना तरीका, अपनी स्टाइल, अपना एटीट्यूड जो है वो वहीं उनको दिखा देता है, ओवर कॉन्फिडेंस उनको दिखा देता है कि इसमें ओवर कॉन्फिडेंस है, वो उनको नंबर नहीं देते हैं वहाँ पे। जिनको ये लगता है कि इसको एटीट्यूड सही नहीं है वो उसको वहाँ नंबर नहीं देते हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं। इसलिए जितने भी जवान मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सभी जवानों के अंदर ये जुनून होना चाहिए, ये कैपेसिटी होनी चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए कि हाँ ये रियल में सेना के, सेना में जाने के लिए उत्सुक है और ये सेना में जाके ये बहुत कुछ करना चाहता है, उसको 100% वो सिलेक्शन देते हैं। बाकी आपको किसी भी प्रकार की घबराहट, किसी भी प्रकार का डिप्रेशन आपको वहाँ पे नहीं रखना है। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो, डॉक्यूमेंट को लेकर कोई दिक्कत हो, कोई बात की परेशानी हो, कोई चीज़ समझ में ना आए, तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा तैयार हूँ। मोटिवेशन करने के लिए मैं तैयार हूँ, आप लोगों को हर समय हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूँ, आप लोगों को हर प्रकार का बैक सपोर्ट देने के लिए। इसलिए आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो साथ में लेके जाएंगे। किसी भी डॉक्यूमेंट की आपके पास कमी नहीं होनी चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट मैंने देखे हैं डॉक्यूमेंट के चलते बाहर आ जाते हैं, उनको जितने डॉक्यूमेंट बताए जाते हैं उतने डॉक्यूमेंट उनके पास अवेलेबल नहीं होते हैं या वैलिडेट डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, इसलिए उनको बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए मैंने डॉक्यूमेंट की सारी जानकारी आप लोगों को बता दी है। आप बिल्कुल इसी टैलेंट के साथ और डॉक्यूमेंट के साथ जाएंगे और आप 100% आप सेलेक्ट होंगे। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।